फोन उठाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक निजी ब्लॉग के जरिए इस बात का इंकशाफ किया गया है कि टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और ईमान मंसूर को सलार खान ने जिंसी हरासानी का निशाना बनाया है। ईमान मंसूर और सलार खान जो कि इस इंडस्ट्री का बहुत ही पुराना, इसका मतलब ये है कि तुम घर की खबरें इस तरह मीडिया में उछालते फिरो। सबका एक वक्त होता है, ये मेरा वक्त है। यू डोंट हैव अ फैमिली बट ही डज। अनजान पोस्ट के बिना पे किसी को भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए। क्या आपको भी किसी ने छेड़ा है? जो कहते हैं ना कि यहाँ सब चलता है, ठीक कहते हैं। तो फिर मीडिया के आगे जाके बात करने की क्या जरूरत थी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अकेले में हुई चीज का सबूत किसके पास होता है? जो तू चाहे मैं। कोई औरत अकेली नहीं है, हम सबकी तकलीफ एक है, मंजिल एक है, मकसद एक है। देखिए ये सब सिर्फ मेरे करियर और मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए किया जा रहा। कोशिश नहीं, खुला आवाज किया है। मेरा नाम कैश करके तुम लोगों से दांत तो ले रही हो, लेकिन एक मिनट, मैंने आपका नाम कैश किया है या फिर मेरी वजह से इस केस को इम्पोर्टेंस मिली? ये दावा करते हुए कि पिछले 3 साल से आपके साथ ये सब हो रहा है, फिर भी उनसे मिलने गए? हम इस तरह से किसी के जज्बात और इज्जत को मजरू नहीं कर सकते। इज्जत उस शख्स की भी है जो वहां बैठा है। ब्रेकअप को भी इसी का हिस्सा बना दिया। मेरे और ईमान के बीच सब कुछ इस कंट्रोवर्सी से पहले ही खत्म हो गया था। क्या ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिस्ट कहना गलत होगा? सही और गलत की लकीर तो वैसे ही मिट चुकी है। आइए नजर डालते हैं ईमान के अब तक के करियर। आपकी नई डील उसी कंपनी के साथ हुई है ना जिसके एम्बेसडर सलार खान थे? आपको किसने बताया? कभी कभी लोग हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। इज्जत सिर्फ आपकी है, मेरी नहीं है। फौजिया आदमियों का यही होता है, देखते हैं घूरते हैं तो घूरने दो। मेरे तालुकात क्यों खराब कर रही हो यार? जो आवाज तुमने अपने लिए उठाई थी अगर उस मासूम के लिए उठा लेती तो तुम्हारा क्या चला जाता? ये केस था कि बात दबी रहनी चाहिए। क्या आप लोग के घर में काम करने की लड़की को जाति का निशाना बनाया है? देखिए हर बात की तरह इसको भी गलत रंग दिया जा रहा है। ईमान एक मॉडल, एक पब्लिक फिगर और औरतों को इनके हुकूक दिलाने के दावेदार है। क्या अपने ही घर में काम करने वाली लड़की को इंसाफ दिला पाएंगे? सवाल तो हम पे भी उठाए जाएंगे कि हमने रेप विक्टिम के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। जो भी करना है सोच समझ कर, जब तक उससे फायदा ना। सुने इनकी बात, सुननी पड़ेगी। रखो इसे और वो करो जो मैं कह रही हूँ। मीडिया पर जो तूफान उठ रहा है उसे रोकने का एक ही तरीका। अगर फौजिया की शादी अंदर से, मुझे लगा आप पे थोड़ी शर्म तो बाकी होगी। आपने जिस पर केस किया है आप कर लेंगे उससे शादी? जो दिल करता वो करो। आपकी कोर्ट में आने वाली प्रोसीडिंग्स में आपकी कामयाबी के चांसेस अभी 50-50 है। मेरा केस आपको कमजोर लग रहा है? मिस ईमान आप अपनी कोर्ट हियरिंग से गायब है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाऊंगी जहाँ पर औरतों की इज्जत ना की जाती हो। ये कैसा सवाल है? किस तरह के सवाल हुए हैं अदालत में? क्या अब मौशरे की औरत के साथ ये सब होगा? आप ऐसे खटिया लोगों को इजाजत भी कैसे दे सकते हैं काम करने? जज साहब से बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद का वक्त मिला है। आपने वेन्यू बदल दिया, मैंने इरादा बदल दिया। एंड यस मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जज साहब से मिलने की जहमत नहीं कीजिएगा। जो जैसा है उसको वैसा चलने दें, हर चीज बिकाऊ नहीं होती। देखना ना भूलिए ग्रे की आखिरी किस्त मंगल रात 9 बजे।